जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। आई एम जी जी के डब्ल्यू एच गौरव एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वक्त वो समय है और अभी हम नहा कर फ्रेश हो गए हैं और आज सोच रहे हैं मेरे बाबा का मोटरसाइकिल को सर्विस सेंटर में भेज कर मेरे बाबा का मोटरसाइकिल को सर्विस करवा लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे वीडियो में बताए हैं और बहुत सारे वीडियो में दिखाए भी हैं कि मेरे बाबा का मोटरसाइकिल को हर 3 से 4 महीना बाद हम सर्विसिंग करवाते रहते हैं। तो आज से 3.5 महीना पहले हम सर्विसिंग करवाए थे और आज हो गया 3.5 महीना। और मेरे बाबा का मोटरसाइकिल जब भी सर्विस सेंटर में सर्विसिंग होता है तो जिस समय सर्विसिंग होता है जो मोबिल डालता है सर्विसिंग के समय, वो मोबिल 2,500 से 3,000 किलोमीटर ही चलता है। लेकिन आज 3.5 महीना हो गया, 2,750 किलोमीटर चला है। तो आज सोच रहे कि 3,000 होने वाला है, तो आज फ्री टाइम भी है तो सोच रहे कि आज मेरे बाबा के मोटरसाइकिल को सर्विसिंग करवा लेते हैं। और थोड़ा कचरा भी हो गया है, बरसात के दिन में इधर उधर गाड़ी चल रहा है सर्विस सेंटर में, तो सर्विसिंग करते करते तो एक बार धोता ही है, अच्छा से वॉश करता ही है, तो वॉश भी करेगा तो साफ़ सुथरा हो जाएगा मेरे बाबा का मोटरसाइकिल, क्योंकि मेरे बाबा का मोटरसाइकिल साफ़ सुथरा देखने में हमको अच्छा लगता है और मेरे बाबा का मोटरसाइकिल साफ़ सुथरा ही रखते हैं। लेकिन थोड़ा बरसात के कारण में थोड़ा सा कचरा हो गया है, पोछे भी नहीं है, लेकिन आज धुला जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद तो पोछ पाछ के रखेंगे ही साफ़ सुथरा। तो चलिए आज जहाँ पर मेरा दोस्त का घर है वहाँ पर अभी हम दे कर आते हैं मेरे मोटरसाइकिल को, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे बाबा के मोटरसाइकिल को ले जाएगा सर्विस सेंटर में, सर्विसिंग करवाएगा, उसका सर्विसिंग होने के बाद हमको कॉल करेगा। उसके बाद मेरे दोस्त का मोटरसाइकिल लेकर हम जाएंगे सर्विस सेंटर, मेरे दोस्त का मोटरसाइकिल को हम मेरे दोस्त को दे देंगे और मेरे बाबा का मोटरसाइकिल लेकर कहाँ जाएंगे क्या करेंगे देखते रहिएगा वीडियो पर। तो चलिए अभी मोटरसाइकिल लेते हैं, चलते हैं मेरे दोस्त का घर। आ गए हैं मेरे दोस्त का घर के पास और बाइक दोस्त के घर के सामने लगा चुके हैं और देखते हैं मेरा दोस्त भी क्या कर रहा है। दे देते हैं चाबी, उसके बाद हम अपना घर चला जाएंगे और मेरा बाबा मोटरसाइकिल लेकर चल जाएगा। विद्या रंजीत खबर कैसी है, कौन दे गया खाते हो दीछो वक्त है वो खा रहा है, किसी से बात कर रहा है, वो लेकर चला जाएगा मेरे मोटरसाइकिल बाबा का मोटरसाइकिल। दोस्त के घर से हम अपना घर आ गए हैं और अब नाश्ता कर लेते हैं और घर में भी कुछ काम है उस काम को भी निपटा लेते हैं। घर में जो काम करने वाले थे वो काम करके फिनिश कर चुके हैं और मेरे दोस्त भी हीरो शोरूम से मतलब सर्विस सेंटर से कॉल कर दिया हमको कि मोटरसाइकिल सर्विसिंग होकर कम्प्लीट हो चुका है। तब हम रेडी भी हो गए हैं हीरो शोरूम जाने के लिए। तो चलिए अब मेरे दोस्त के पास मतलब मेरे दोस्त का घर जा रहे हैं, अभी उसका बाइक लेंगे और जाएंगे हीरो शोरूम हीरो सर्विस सेंटर। आ गए हैं दोस्त का घर, दोस्त का गाड़ी लेने के लिए, चलते हैं अब दोस्त का गाड़ी लेकर हीरो शोरूम। आ गए हैं हीरो शोरूम और मेरे दोस्त की गाड़ी में रख दिए हैं, मेरे दोस्त का गाड़ी का चाबी तो दोस्त को दे देते हैं। रंजीत अच्छे मेरे बाबा इसी शोरूम से मेरे बाबा का मोटरसाइकिल लिए थे और फ्रंट में है शोरूम और पीछे है सर्विस सेंटर। ले चाबी ले ना लेबी ने हाँ एक घंटा रखे दिन से दुकान इतनी जा गई। देखते हैं बाबा का मोटरसाइकिल कहाँ पर है, कौन दिया सब रेडी होंगे सर सब रेडी होंगे। मेरे बाबा का मोटरसाइकिल का सर्विसिंग का बिल बन रहा है, यहाँ पर बिल जमा कर लेते हैं जो सर्विस सेंटर में चार्ज है सर्विसिंग का। तो चलेंगे सिंदरी सर्विस सेंटर से निकलने के बाद अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में सोचे कि मेरे बाबा के बाइक में तेल भरवा लेते हैं, तेल है लेकिन फिर भी थोड़ा सा भरवा लेंगे तो कभी भी काम आएगा। माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। अभी हम सिंदरी पहुंच चुके हैं और सिंदरी में आए हुए हैं हम मौसी घर। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से थोड़ा सा दूर में मौसी घर है, तो अभी हम इसी रास्ता से आएँ और ये है सिंदरी का बाईपास रोड।
हम लोग का जो सिंदरी का डीएवी स्कूल है वहीं से कट जाता है, और हम जब भी मौसी घर आते थे सिंदरी में तब हम मार्केट से आते थे या तो इस रोड से आते थे। और ये रोड है हम लोग का झरिया वाला रोड जो भजूडी होके पार होता है सिंदरी पहले, उसके बाद भजूडी, फिर जाते हैं झरिया, फिर धनबाद जाते हैं। ये रोड मतलब बाईपास रोड है ये भी, लेकिन ये चलता वाला रोड है, सबको इसी में आना जाना ज़्यादा करता है। और ये जो बाईपास रोड देख रहे हैं ये रोड आपका, इस रोड से आपको सिंदरी वर्कशॉप भी जाया जाएगा, मतलब रास्ता है सिंदरी वर्कशॉप जाने का भी। और पहले हम लोग का सिंदरी में SBI कंपनी था, इसको अभी हल कंपनी बनाया गया है, वो रास्ता भी यही वाला है, मतलब मार्केट से भी जाया जाता है हल कंपनी और SBI कंपनी। आप लोग वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं, ये बाईपास रोड है, मतलब वर्कशॉप जाने के लिए आसान रास्ता है ये। तो अभी हम यहाँ का लोकेशन तो आप लोग को दिखाएँ, अभी हम जाएंगे मौसी घर आगे में, इधर जाना है, और इधर है हम लोग का गांव का नियरेस्ट मार्केट की तरफ जा रहा रोड। चलिए, यहाँ पर एक जियो का पेट्रोल पंप भी खुल चुका है, बहुत ही शानदार लग रहा है, पहले यहाँ पर नहीं था जियो का पेट्रोल पंप, आज पहली बार देख रहे हैं। बहुत दिन से ये रोड में आए नहीं है, इस रोड से जब भी आते थे सिंदरी मार्केट से ही मौसी घर आते थे, आज बहुत दिन बात ये रोड मतलब देख रहे हैं। इस रोड में तो जाना ही, इसी रोड में है मेरा मौसी घर, लेकिन बात यह है कि इस रोड में बहुत दिन से आए नहीं है तो ये वाला देखे नहीं थे, और ये रोड में तो आज हम पहली बार आ रहे हैं। मौसी घर हम आ गए हैं, और जब भी हम मौसी घर आते थे मेरे बाबा को मोटरसाइकिल इस पेड़ के नीचे छाँव में रखते थे, लेकिन आज पूरा जंगल टाइप का हो गया, छोटा छोटा पेड़ हो गया, पूरा मतलब पौधा हो गया, पेड़ नहीं पौधा हो गया छोटा छोटा। और अब आज हम रखे हैं मेरे बाबा को मोटरसाइकिल यहाँ पर छाँव में, और बहुत ही धूप है, इधर उधर कहीं रखने का ऐसे व्यवस्था है नहीं, चारों तरफ धूप है, इसीलिए छाँव में रख दी है मेरे बाबा मोटरसाइकिल। और चलिए अब मौसा मौसी से भेंट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मेरे बड़े मौसा जी बड़े मामा जी के साथ फ़ोन में बात कर रहे हैं। मौसा मौसी से मिलने के बाद अभी हम आ चुके हैं कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक में कुछ काम है कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पापा को मोटरसाइकिल को खड़ा कर चुके हैं, तो बैंक का काम कंप्लीट कर लेते हैं फिर चलेंगे। बैंक का काम करने के बाद अभी हम आ चुके हैं अपना बुआ घर, और मेरे बाबा को मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ा कर चुके हैं। चलिए अब बुआ, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, बड़े फूफा जी, छोटे फूफा जी से मिल लेते हैं। और यहाँ देखिए मेरी छोटी बुआ जी सो कर कुछ सोच रही है, और सोचते सोचते कुछ खा रही है, मतलब मुँह भी चला रही है और सोच भी रही है। अभी छोटी बुआ से बातचीत कर रहे बैठ कर, और यहाँ बड़ी बुआ भी आ गए हैं। बस अब इसे बस 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 हम बोझ चीन बसंत तुम ए तो बोझ लो तुम कर। अरे बातचीत कर लेते हैं, और यहाँ छोटी बुआ नाश्ता भी दे दी है, नाश्ता कर रहे हैं बैठ कर और बातचीत भी करते हैं। सभी से भेंट मुलाकात हुआ, सिर्फ बड़े फूफा और छोटे फूफा से भेंट मुलाकात हुआ नहीं। छोटे फूफा जी जहाँ पर पूजा करते हैं आप लोग दिखाएँ पोस्ट ऑफिस है वहीं पर है, और बड़े फूफा जी कहीं गए हैं आज से हैं। टाटा टाटा कर रहा पलंग नहीं जा रहा आज से बदे। चलिए मेरे बाबा मोटरसाइकिल लेते हैं, चलते हैं अब घर की ओर। घर हम आ गए हैं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।